दोस्तों नमस्कार, उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। पहले के मुकाबले ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने मिनी लॉकडाउन लगा दिया है और मास्क नहीं पहनने वालों के चालान काटे जा रहे हैं, ताकि लोगों में इस बीमारी से बचने के प्रति जागरूकता आए। कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। इन सब के बीच अबोहर की उत्तम विहार कॉलोनी के युवाओं ने अपने स्तर पर कॉलोनी की सुरक्षा बढ़ा दी है। कॉलोनी के अधिकांश गेट बंद कर दिए गए हैं और एक गेट पर चौकीदार बिठा दिए गए हैं, जो आने जाने वालों का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं और उनके हाथों को सैनिटाइज करवा रहे हैं। वार्ड के पार्षद डॉक्टर सतीश नूरुल्ला ने कॉलोनी निवासियों के प्रयासों की सराहना की और कोविड से बचने के प्रति बरती जा रही जागरूकता को लेकर लोगों का धन्यवाद किया और कोविड नियमों का पालन करने की सभी से अपील की। असी कल तो साढ़े उत्तम विहार वेलफेयर सोसायटी ने यह उपराला किया भी आप क्यों ना भी लोगों की जान बचाईए। ये कोरोना वायरस महामारी जिमें जिमें बढ़ रही है, उमें तो पता है भी अपने अबोहर शहर के की हालात हो रहे हैं। साड़ी नई बात की कंटोनमेंट जोन च पाई है, उनके कारण भी वो तो वे मरीज सके जिन्हें भी नौजवान से मुंडे इन्होंने उपराला किया भी आप कुछ करके दिखाईए भी जोड़े आप लोगों बचा सकी। ऐसी कल तो भी कलोनी के जड़ा भी कोई बंदा एंट्री करता है, सब तो पहले उन्होंने रोक के सैनिटाइज कराईद, मास्क देईद, तो एक कल तो असी जोड़े लोग बाहर तो आ रहे उन्होंने आधार कार्ड भी चैक करा। यह सर असी कल तो प्रयास शुरू किया जी, ये जदों तक फिलहाल तो असी 15 दिन वास्ते लगाया जी। इस तो बाद अगर सानू समझ आती है कि मतलब सही चल रहा है, लोग साडा सहयोग कर रहे हैं, तो असी अगे भी चलावे तो चलाते रहेंगे जी। की कुछ कर दे फिर असी कोई भी बाहर परसन आता है जी, उन्हें टेंपरेचर चैक करीद, सैनिटाइजर करीद, बकायदा रोक के उन्होंने पूछा जाता है कि तुम किधर जाना है किधर नहीं जाना। अगर कोई बाहर का होंगे या किसी टेंपरेचर होंगे तो असं उन्होंने पिछले वापस मोड़ दें। जिनके कहीं बीमारी नहीं जाती, असी लोगों अवेयर करिए, जे कम हो घरों निकलन, अदरवाइज ना निकलन, एंज उन्होंने उन्होंने परिवार का सोसायटी का बचा है जी। जे बचा रख के लोग इस चीज़ की पालना करे तो सारे का ही यानी कि फायदा है, तो इस बीमारी जल्दी से जल्दी दूर करा। साड़ी तो यो प्रयास है सारी कलोनी भी बिना काम के घरों ना निकलो ना निकलो ना निकलो। और एक्चुअल में हमने एक छोटी सी मुहिम चलाई है गवर्नमेंट को साथ देते हुए, कि इन्होंने जो हमारा एक जोन घोषित किया जिसमें खतरा है उसको कोई भी नाम दो आप, तो उसमें हम ये चाह रहे हैं कम से कम हम अपने आप को और हमारी कॉलोनी को सेफ रखें। जो या अंदर आ रहा है उसको सैनिटाइज कर रहे हैं, उसको मास्क के बारे में उसको बता रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे सभी भाई इसको एक मजाक ना समझते हुए इसको सीरियस लें और अपने आप को खुद को बचाएँ, दूसरा अपने आप बच जाएगा, सबसे बड़ी बात यही है। और हर एक की इज्जत करें, और वो अगर कोई करता है तो उसको सम्मान दे। धन्यवाद। बहुत सर 300-400 ही 300-400 हाँ जी सर, टेंपरेचर चेक कर दें। मैं एंटर नहीं होंगे जी, गेट तो वापस किया जाता जी, कलोनी किया जाता, कलोनी की कमेटी दसा जाता जी। हाँ जी कृष्ण जी, कितने दिनों से शुरू किया अभियान? अभियान जी कल तो शुरू किया जी। कोशिश करने दुकान ते कस्टमर ना आवे। आप ही देके आने जी, फोन ते आंदा ते दिया ही दे। मेरी राय ये भी है भी जिमें साढ़े मक्कड़ साहब खड़े है, बठेजा जी है, इशू जी है, अग्रवाल जी है, अर्जुन जी खड़े है, इन्होंने मैं क्या भी जोड़े सब्जी वेचना लियादे है जो दुध वाले इन्ह का आप करोना टेस्ट करके इन्हों की रिपोर्ट नाल लाई होनू एंट्री अंदर कर दिता जाएगा। तो इस दे नाल नाल जिमें हुण कल संदीप जी ने भी मीटिंग ली सी, जाकड़ साहब ने भी बहुत उपराले किए है भी जोड़े घर के करोना पॉजिटिव है वह गरीब है जा मियाँ बीबी दोवें पॉजिटिव ने, उन्होंने असी दोनों टाइम का खाना प्रोवाइड करावे। ऑक्सीजन की लौड़ है तो ऑक्सीजन, जे मेडिसिन की लौड़ है तो मेडिसिन भी दी जाएगी, तो उन्होंने टीम तैयार कर दी गई है, तो उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी कल तो असी अखबारों के व्हाट्सएप पर शो कर दिते ने। जिस किसी कोविड पेशेंट नूं किसी भी चीज़ की लौड़ हो संदीप जी नूं जां थल्ले दिते नंबर से संपर्क कर सकता है। इन्हें नाल ही मैं उत्तम विहार निवासियों का
बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने बहुत वधिया काम किया, कोविड नू हरा के ही दम लवांगे।